फहीम खान और आज हम खड़े हैं डीसीवी सभागार के अंदर जहां एक सेमिनार का आयोजन होने वाला है। ये एक सेमिनार माइग्रेन के ऊपर है, माइग्रेन जो बहुत ही ख़तरनाक सिर दर्द की बीमारी है जिसको रिसर्च करने के बाद एक ऐसी मेडिसिन ऐसी औषधि वैद्य बालेंदु प्रकाश जी ने तैयार की है जिससे माइग्रेन कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है और बहुत से लोगों ने इस औषधि का लाभ उठाया है। और वैद्य जी ने ये एक ऐसी औषधि तैयार की है जिसका कोई जोड़ नहीं है, भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर एक ऐसी औषधि तैयार की गई है जिससे माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इसको रिसर्च में सही पाया गया है। एम्स ने भी अपना मोहर लगाकर पिछले 40 वर्षों में मैंने अपने तजुर्बे में पाया कि आयुर्वेद में वर्णित श्लेष्म पित्त रोग आज के माइग्रेन से जुड़ा हुआ है। जिसको दुनिया माइग्रेन कहती है वो आयुर्वेद का श्लेष्म पित्त रोग है। और जब खूब इसको अपनी प्रैक्टिस में फिर कुछ कंट्रोल स्टडी करके और फाइनली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पे पिछले 5 सालों में जो ट्रायल हुआ उसके जो उत्साहजनक परिणाम आए कि माइग्रेन की चिकित्सा आयुर्वेद से पूर्ण रूप से संभव है, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि इसको जन जनता के माध्यम से जाए और सभी लोग इसमें भागीदारी करें, एक चर्चा हो और इसका लाभ दुनिया तक पहुँचाया जा सके। माइग्रेन जिस तरीके से एक बड़ी समस्या बनती जा रही है तो उससे बचाव के लिए लोगों के क्या संदेश है आपका? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि माइग्रेन कितनी बड़ी समस्या पिछले 10 साल में बनी है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिससे मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आती है, तो WHO ने इसको 2006 तक 17वां रैंक दिया हुआ था मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के लिए और अब इसका रैंक 7वां आ गया। तो पिछले 10 सालों में दुनिया भर में, और ये कहा होता है शहरों में, महानगरों में और बड़े बड़े विकसित देशों में, तो ये बीमारी और ये खान पान, रहन सहन, जैसे हर मजहब में खाने का तरीका लिखा है, सोने का तरीका लिखा है, पर सबका बाजा बजा हुआ है। जिसकी मेरी मर्जी मैं चाहिए वो करूँ, तो ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा है मेरी मर्जी। तो आज अमेरिका में 35 मिलियन लोगों को माइग्रेन है। अब हम लोग भी कहने के तो हिंदुस्तानी हैं पर अमेरिकन होते जा रहे हैं। मेरी मर्जी चलती है और जब वो चलती है तो शरीर की जो हमारी बायोलॉजी है वो आउट होती है। इस साल का नोबेल प्राइज बॉडी बायोलॉजी पे मिला है, जो आयुर्वेद और हमारा धर्म कहता है कि टाइम से उठें, टाइम से सोएं, उसी बायोलॉजी के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है कि बॉडी की बायोलॉजी को मेंटेन करें, टाइम पर खाएं, टाइम पर रहें, तो जो जो ये ख़त्म होती जाएंगी क्यों तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। लोगों को पता ही कि माइग्रेन आयुर्वेद से मात्र कुछ महीनों में पूरी तरह ठीक हो सकता है और इसके लक्षण लोगों को पता ही नहीं है। हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ चिकित्सा कराएं, MRI कराएं, बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि रामपुर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि आयुर्वेद के माध्यम से वैद्य बालेंदु प्रकाश जी का रिसर्च किया हुआ ये ट्रीटमेंट जन जन तक पहुंचे और लोग इसे लाभ। रामपुर में ऐसा इधर देखिए उपस्थित हैं श्रीमती शोभा अग्रवाल से अनुरोध करती हूँ डॉक्टर वंदना जी का डॉक्टर बालेंदु प्रकाश जी के मैं इनसे बेहद पढ़ा और इश्तिहारों में लटका आयुर्वेद डॉक्टर सुषमा जी उपस्थित। डॉक्टर सुषमा जी सिरदर्द है, हर सिरदर्द को माइग्रेन नहीं कहते, तो मैं अपने प्रेजेंटेशन मेडिकल रिसर्च बॉडीज है या अनुसंधान बॉडीज है फ्रांस अमेरिका में पुरुषों में 3:1 का अनुपात नेक्स्ट और 2016 में 35 मिलियन लोग क्यों हो गए, क्योंकि इसका न फर्स्ट का पता है न क्योर का पता है। इसको केवल औषधि देता है और वैद्य नहीं, कोई भी डॉक्टर अगर किसी मरीज को केवल जब नेक्स्ट अपने हाथों से किया गई तो
डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में उस समय के हेड, आज तक किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इलाज के तौर पे नहीं मिली। हाँ, किसी को कैंसर है उसके साथ मानक बहुत कठोर है, वही बात है। 2002 से लेके 2010 तक की जो मेरी जर्नी थी उन्हीं मानकों को बनाने की, और क्लियरेंस लेके और क्लियरेंस लेके हमने माइग्रेन का इलाज शुरू किया 154 मरीजों में। और आपको देख के शायद हैरानी होगी कि 2012 से लेके 2016 154 मरीज, वो भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, ऐसा कैसे? वहाँ तो 500 मरीज रोज आते हैं। पर इस में एक वर्ड है रिफ्रैक्टरी माइग्रेन, 20 साल कम से कम और वो 20 साल उसमें भी कुछ इशू होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे हुआ। और 365 ग्रुप में जीरो है, वहाँ पर डिजीज भी तो 80%। तो ये उसी का ही है कि जब माइग्रेन चिकित्सा करी हुई है, हमारी बॉडी एक केमिकल है, वही जो मेरे सामने आते हैं और जो हमने पाया है उनको सामंजस्य करते हैं। और मैं ये बात साबित कर दी कि आयुर्वेद माइग्रेन में कामयाब है, सफल है, और माइग्रेन के रोगी इसमें बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हैं। जे न्यूज़ लाइव के लिए फहीम खान, रामपुर।